साथियों नमस्कार। भारतीय सिनेमा में उन अभिनेत्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जिन्होंने फिल्मों में आने से पहले किसी ब्यूटी कंटेस्ट, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस पैसिफिक प्रतियोगिता में भाग लिया है। ब्यूटी कंटेस्ट से फिल्मों में आने वाली अभिनेत्रियों में से एक नाम 18 अप्रैल 1962 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में वायुसेना के एरोनॉटिकल इंजीनियर के यहाँ जन्म हुआ था, पूनम ढिल्लन जी का। साथियों आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री और 1977 की फेमिना मिस इंडिया की फिल्मों की पूरी जानकारी और उनकी फिल्मों के कुछ बोल्ड सीन की जानकारी दूंगा। दोस्तों 1980 में राजेश खन्ना जी की एक साइको थ्रिलर फिल्म आई थी रेड रोज। रेड रोज फिल्म में पूनम ढिल्लन जी पे एक बाथरूम बाथटब में नहाते हुए एक्सट्रीमली बोल्ड सीन था। साथियों पूनम जी के इस बोल्ड सीन की वजह से रेड रोज फिल्म को अडल्ट फिल्म की कैटेगरी में रखा गया था और फिल्म को सिर्फ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के दर्शकों को ही देखने की इजाज़त थी। साथियों पूनम ढिल्लन जी को फिल्म नूरी, सोनी, महिवाल और तेरी मेहरबानियां के लिए जाना जाता है। यश चोपड़ा की 1978 की फिल्म त्रिशूल पूनम ढिल्लन जी की पहली फिल्म थी। त्रिशूल फिल्म में सचिन के साथ पूनम जी पर फिल्माया गया एक गीत गापुची गापुची गम गम काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। यश जी ने त्रिशूल के बाद 1979 की फिल्म नूरी में पूनम ढिल्लन जी को शीर्षक भूमिका दी थी। दोस्तों पूनम ढिल्लो जी ने लगभग 72 फिल्मों में अभिनय किया। 1979 की फिल्म नूरी के लिए पूनम जी को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए पूनम जी का नाम नॉमिनेटेड हुआ था। सन 2015 में टीवी सीरियल एक नई पहचान के लिए पूनम जी को इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड मिला है। दोस्तों पूनम ढिल्लन जी 1991 की फिल्म देशवासी और झूठी शान तक लीडिंग रोल अभिनेत्री रही है। 1997 की फिल्म महानता से पूनम जी ने करेक्टर आर्टिस्ट की भूमिका अदा करनी शुरू करी, जो कि 2020 की फिल्म जय मम्मी दी तक उनका अभिनय जारी है एज ए करेक्टर आर्टिस्ट।
साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी प्रेस करें। थैंक यू।